हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जेली। कल अपन ने बात की थी जैम, जैम कैसे तैयार करते हैं। आज बात करेंगे अपन जेली। जेली यानी कि अम्ले। देखो जेली, जेली कैसे बनाते हैं। फलों के रस से तैयार की जाती है जेली। फलों के रस में क्या होती है, पेक्टिन की मात्रा होती है। पेक्टिन की मात्रा से क्या की जाती है, जेली तैयार की जाती है। जेली कैसी होती है, पारदर्शी होती है। जेली कैसी होती है, पारदर्शी होती है। तो देखो जेली एक क्या है, अर्ध ठोस पदार्थ। क्या है, ठोस पदार्थ है। जेली क्या है, अर्ध ठोस पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त, जो क्या की जाती है, जो पेक्टिन युक्त फल रस, पेक्टिन युक्त फल रस में, फल रस में उचित मात्रा में, उचित मात्रा में क्या मिलाएंगे, चीनी। उचित मात्रा में चीनी के साथ पकाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, जेली कहलाता है। क्या कहलाता है, जेली। जैसे जेली एक अर्ध ठोस पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त रस, पेक्टिन युक्त फल रस में चीनी के साथ, उचित मात्रा में चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया पदार्थ क्या कहलाता है, जेली कहलाता है। देखो एक उत्तम जेली के गुण क्या क्या होते हैं। उत्तम जेली के एक तो क्या होगी, जेली पारदर्शी। एक अच्छी जेली क्या होती है, पारदर्शी होती है। और दूसरा चमकदार होती है। अच्छी जेली क्या होती है, पारदर्शी होती है, चमकदार होती है। इसके अलावा उसे हिलाने पर हिलती है और काटने पर आसानी से कट जाती है। और जिस बर्तन में जिस जेली को डाला जाता है वह उसका रूप ले लेती है, उस बर्तन का आकार ले लेती है। ये क्या होते हैं, अच्छी जेली के गुण होते हैं, उत्तम जेली के गुण होते हैं। देखो सबसे पहले जेली बनाने के लिए क्या करते हैं, फलों का चयन। फलों का क्या करेंगे, चयन। तो फलों के चयन में क्या करते हैं, अच्छे कैसे फल लेते हैं, अच्छे फल लेते हैं। कैसे फल लेते हैं, अच्छे फल लिए जाते हैं, यानी कि अच्छे ठोस पके हुए फल लिए जाते हैं। और फलों को लेकर के उनकी साफ सफाई कर ली जाती है। उनकी क्या कर लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, उन्हें अच्छे प्रकार से पानी से धो लेते हैं, स्वच्छ पानी से। अब फल ले लिए, अब फलों से क्या करना है, अपने को पेक्टिन से बनती है जेली, तो पेक्टिन निकालेंगे। दूसरा क्या आता है अपना टॉपिक, फलों से पेक्टिन प्राप्त करना। फलों से पेक्टिन प्राप्त करना। देखो फलों से पेक्टिन प्राप्त करना, फलों से पेक्टिन कैसे प्राप्त करते हैं, फलों को टुकड़ों में काट लेते हैं और काट करके स्टेनलेस स्टील के भगोने में डालते हैं और उसमें इतना पानी डाला जाता है कि फल पानी में डूब जाए, फल क्या हो जाए, पानी में डूब जाए। फिर उनको गर्म किया जाता है और जो फलों के अंदर उपस्थित जो पेक्टिन होती है वो घुल करके इसमें आ जाती है, पानी में घुल जाती है, पानी के साथ में घुल जाती है। अब इसे क्या करते हैं, अपन छान लेते हैं। पेक्टिन को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। छानने में ध्यान रखा जाता है कि गंदगी ना आए, वरना जेली कैसी नहीं होगी, पारदर्शी नहीं होगी। और छानने का कार्य किससे किया जाता है, जेली बैग से। इससे करते हैं जेली बैग से, और बड़े स्तर पर मशीनों द्वारा भी छानने का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पेक्टिन परीक्षण। जो अपने पास में फल रस प्राप्त हुआ, जो फल रस यानी कि जो पेक्टिन प्राप्त हुआ उसमें पेक्टिन की मात्रा कितनी है, उसमें पेक्टिन की मात्रा कितनी है, वह क्या करेंगे,
जांच करेंगे तो पेक्टिन परीक्षण। देखो पेक्टिन परीक्षण में दो प्रकार से किया जाता है, एक तो क्या होता है अल्कोहल परीक्षण। अल्कोहल परीक्षण में क्या करते हैं, दो चम्मच अल्कोहल लेते हैं और एक चम्मच, दो चम्मच तो क्या लेंगे अल्कोहल और एक चम्मच क्या करते हैं जेली के लेते हैं जो कमरे के तापमान पर ठंडी की हुई हो, उसकी मात्रा लेकर के उसमें डाला जाता है, यानी कि एक चम्मच जेली की लेकर के उसमें स्प्रिट दुगुनी मात्रा में स्प्रिट डाल देते हैं, अल्कोहल डालते हैं, जिससे क्या होता है कि यदि बड़े ढीले आए, बड़े ढीले दो बड़े ढीलों में बढ़ जाए, बड़े बड़े ढीलों में बढ़ जाए तो क्या होगी अच्छी मात्रा में पेक्टिन, ठीक है अच्छी मात्रा में पेक्टिन। और यदि चार पांच टुकड़ों में बढ़ जाए, छोटे छोटे ढीलों में हो जाए जेली, अगर छोटे छोटे ढीले बने तो क्या होगी मध्यम मात्रा में पेक्टिन। और यदि छोटी छोटी बुदकियाँ बनने लगे, छोटी छोटी क्या बनने लगे बुदकियाँ कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, छोटी छोटी बुदकियाँ बनने लगे तो कम मात्रा में क्या होगा पेक्टिन होगा। इस प्रकार से अल्कोहल परीक्षण द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा ज्ञात करते हैं अपन इसके द्वारा जेली मीटर, इसके द्वारा जेली मीटर। जेली मीटर में क्या करते हैं, इसका एक मुंह खुला होता है ऊपर से पॉइंट पिच होता है और एक मुंह क्या होता है सकड़ा होता है नीचे से, कितना होता है पॉइंट 50, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं उसमें जो पेक्टिन होता है फल रस जो होता है पेक्टिन का जो रस होता है उसे उस जेली मीटर में डाल करके एक मिनट तक जो अंगुली होती है नीचे की उसको हटा लेते हैं, फिर वापस बंद कर लेते हैं और उसके ऊपर जो पाठ्यांक लिखे हुए होते हैं उनके आधार पर जेली के उस फल रस के अंदर पेक्टिन की मात्रा का पता लगा लिया जाता है और उसी के आधार पर क्या किया जाता है चीनी का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं चीनी मिलाना, क्या करते हैं चीनी मिलाना। तो जेली में चीनी मिलाई जाती है किसके आधार पर, इसके आधार पर मिलाते हैं जितनी पेक्टिन की मात्रा होती है उसके आधार पर। तो जेली मीटर में देखो पाठ्यांक, ठीक है पाठ्यांक अपना आया मान लो 1.25 और एक होता है 1, फिर होता है 7.5, फिर होता है 5, ठीक है। और परीक्षण, परीक्षण ठीक है, अगर यदि पाठ्यांक दिया आता है तो क्या होगा अच्छी मात्रा में पेक्टिन, पेक्टिन कैसी मात्रा में है अच्छी मात्रा में। और यदि पाठ्यांक यह है तो क्या होगा मध्यम मात्रा में पेक्टिन की मात्रा होगी। और यदि पाठ्यांक यह है, समझ गए, यदि पाठ्यांक यह है तो कम मात्रा में क्या हो जाएगा कम मात्रा में, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कम यानी कि निम्न, कम मान लो निम्न मात्रा में। और यहाँ पर है तो पाठ्यांक अगर यहाँ पर आ रहा है जेली मीटर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे कम मात्रा में पेक्टिन, सबसे कम मात्रा में क्या हो जाएगी पेक्टिन की मात्रा हो जाएगी सबसे कम मात्रा। अब चीनी का निर्धारण कैसे करते हैं कि यदि अपने पास पाठ्यांक 1.25 आ रहा है तो अच्छी मात्रा में पेक्टिन है तो कितना डालेंगे 1250 ग्राम। और यदि एक पे आ रहा है तो मध्यम मात्रा में है तो 1 kg, ठीक है। और यदि 0.75 पे आ रहा है तो 750 ग्राम। और यदि 0.5 पे आ रहा है तो रस को गाढ़ा करके पेक्टिन की मात्रा मिलाते हैं, रस को क्या करते हैं गाढ़ा करते हैं और पेक्टिन
मिलाते हैं, क्या कहते हैं, पेक्टिन मिलाते हैं, ठीक है, चीनी मिलाना। इसके बाद में जाती है कि तैयार जेली के संकेत, तैयार जेली के संकेत क्या क्या है, देखो तैयार जेली के संकेत है कि एक तो चीनी की मात्रा कितनी गुना हो जाती है, चीनी की मात्रा की डेढ़ गुना, कितनी गुना हो जाती है, डेढ़ गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है, डेढ़ गुना। और TSS रिफ्रेक्टोमीटर से TSS देखते हैं तो कितना होता है, 65%, कितना होता है, 65% होता है, कितना होता है, 65%। और तापमान कितना हो जाता है, तापमान होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद में जेली की जांच, भाई तैयार जेली के संकेत, इसके बाद में जांच कैसे करते हैं उसकी परिपक्वता की, एक तो करते हैं TSS के रिफ्रेक्टोमीटर द्वारा, दूसरा थर्मामीटर द्वारा 105 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देख लेते हैं, और इसके अलावा इसमें देखते हैं सीव टेस्ट करके, ये क्या करते हैं, सीव टेस्ट, जेली की चम्मच में मात्रा लेकर के ऊपर से गिराते हैं, यदि वो धीरे धीरे 74 के रूप में गिरे तो क्या है, तैयार है जेली, क्या है, तैयार है, इसे कहते हैं सीव टेस्ट। अब देखो जेली निर्माण में कठिनाइयाँ आती है, क्या आती है, कठिनाइयाँ आती है जेली निर्माण में, क्या आती है, कठिनाइयाँ आती है। तो जेली निर्माण में कठिनाइयाँ क्या आती है, जैसे कि मान लो जेली का न जमना, जेली का न जमना, जेली का न जमना, देखो जेली का न जमना, क्यों नहीं जमती है जेली, कौन सी कंडीशन पे, चीनी अधिक, चीनी क्या होगी, अधिक, और क्या होगा, पेक्टिन कम मात्रा, पेक्टिन क्या होगा, कम मात्रा में जेली नहीं जमेगी। दूसरा आता है जेली का रोना, जेली का रोना, ये क्या होता है भाई, चीनी कम, चीनी तो क्या होती है इसमें कम, और अम्लता अधिक, इसे व्हिपिंग जेली बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, व्हिपिंग जेली, यानी कि कई बार जेली जमने के बाद ऊपर पानी आने लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जेली का रोना, और जेली का अपारदर्शक होना, अपारदर्शक होना, तो अपारदर्शक होने की क्या गंदगी आ जाती है, छानने छानते समय क्या कर दिया, गड़बड़ हुई तो अपारदर्शक हो जाती है, यानी कि उसमें गंदगी आ जाए छानते समय, तो ठीक है। तो ये जेली के बनाने के किस प्रकार से बनाई जाती है, अब देख लो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, जैसे कि जेली के अंश कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है फलरस, क्या होता है फलरस, 45 कितना होता है, 45%। अम्लता, अम्लता कितनी होती है, 0.7 से 0.9%, ठीक है। फिर आती है आपकी इसके अंदर TSS, TSS कितना होता है, 65, और VM का 68। पानी 33 से 38%। अब देखो फिर क्या आता है अपना आगे देखो, जैसे किस किस की बनाई जाती है, एग्जाम्पल अमरूद, अंगूर, करौंदा और आलू बुखारा, पपीता, आलू बुखारा, पपीता, खट्टे सेब आदि, खट्टे सेब आदि, इन फलों की बनाई जाती है जेली। और सबसे सरल पचन जेली किसकी होती है, अमरूद की, इसकी जेली बनाई जाती है अमरूद की, ठीक है।